हेलो दोस्तों, एम क्या सपोर्ट चैनल में आपको स्वागत है। और आज इस वीडियो में फाइनल हम आपको बता देंगे कि आप थंबनेल अपने हैंडसेट से कैसे बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं दो तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि दो तरह से आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दो ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और आपको दोनों डाउनलोडिंग होने के बाद में आपको इस तरह से आपको इंटरफेस इसका सामने आएगा। और एक ऐप है जिसका नाम है फिक्सलर और दूसरा है फ़ोटो एडिटर। तो सबसे पहले हम फोटो एडिटर में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक साइज़ सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो आप साइज़ दूसरा में सिलेक्ट करना है, साइज़ यही रहने देना है क्योंकि यही साइज अपना भी मोबाइल जब डाउनलोडिंग होने के बाद जब साइज़ सिलेक्ट करने के लिए आएगा तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि यही साइज़ है जो आपका जो जिस तरह से आप थंबनेल बनाते हैं वो कट नहीं होगा, नहीं तो यूट्यूब पे अपलोड करने बाद में वो थोड़ा सा कट हो जाता है। तो यही साइज रहने दें, 1280x720। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग करेंगे, डाउनलोडिंग करके आपको गैलरी में सेव कर लेना है, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। बस इसके बाद में इस ऐप का आप कोई काम नहीं है, आप इस चीज़ को बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद में आप फिक्सलर को आप एक ऑन करेंगे और वहाँ पर आप इस तरह से इसका फेस आएगा, तो यहाँ फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद में उस जो डाउनलोडिंग जहाँ पे हुआ था उस फोटो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप इस पे नीचे में ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल एक्सप्लोर करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि अगर मोबाइल पिन भी मतलब कि ऊपर बनाना है, यानी मोबाइल का फ़ोटो जैसे दिखना चाहिए उसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस मोबाइल को आप ऐसा ले सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद में आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट पे जाइए और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा है वो, ऐसा नहीं कि आप थंबनेल अपने यूट्यूब पे डालने के लिए बनाना चाहते हो तो ही आपको बनाना है। आप अपने पर्सनली अपने फेसबुक पे या आप अपने खुद के मतलब व्हाट्सएप पे लगाना चाहते हैं या व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यही लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाया जाए, कैसे बना सकते हैं। तो लिखता हूँ चलो THUMBNAIL, ये आपको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर लिखता हूँ कैसे बनाए और यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कलर सिलेक्ट करेंगे, कलर सिलेक्ट करने के बाद में आप ऐसा कुछ कलर करेंगे जो आपको मतलब अच्छा लुक मतलब मिले, आप अपने हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। उसके बाद में आप फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं मतलब जैसे आपको चाहे, और इसको छोटा बड़ा आप जैसे भी चाहें तो वैसा कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे आप इजीली आप इसको साइड में यहाँ पे लाके कर दीजिए। यहाँ पे करने के बाद में आप फिर क्या करेंगे, अब इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में आपको फिर से अगर कुछ इमेज लेना है जैसे, फिर तो वैसे ही जाएंगे, डबल एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैप करेंगे और उसके बाद में आपको एक यूट्यूब का, देखिए एक यूट्यूब का लोगो आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको इसको छोटा सा थोड़ा करके, एक मिनट दोस्तों, इसको ऐसा छोटा करके आप ऐसे साइड में कर सकते हैं, इसे भी छोटा कर सकते हैं और इसको भी ओके कर देंगे। तो ऐसा करके आपको कुछ भी डालना है ऐसा कर देंगे। तो मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता हूँ, इससे अच्छा मेरे को दूसरा लगता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आप अपने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डबल क्लिक कर यहाँ पे क्लिक करके डबल एक्सप्लोर पे क्लिक करके आप अगर आपका गैलरी में अगर यहाँ पे फोटो है तो आप यहाँ पे अपने फोटो को भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और चीज़ को लगाएंगे, आप यहाँ पे अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं, मैं अपना तो अलग एक तरह से बनाना चाह रहा हूँ, मतलब कि ये ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है जो आप इसको बैक कर दीजिए, यहाँ पे फिर से आप फ़ोटो पे क्लिक कीजिए और उसी पेज को क्लिक कीजिए, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम ऐसा ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है, डबल एक्सप्लोर पर क्लिक करना है और आपको एक यहाँ पे इस तरह के एक बैकग्राउंड ले लेना है। देखिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, इसके बाद में इसको हम ऐसा बड़ा कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट पे कुछ लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे MKR सपोर्ट, मैं MKR यहाँ पे सपोर्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे जैसे फॉन्ट
ऊपर का जो आपको दिख रहा है ये फाउंड तो ऑलरेडी पहले से मिलेगा, और नीचे में ये फाउंड है आपको डाउनलोडिंग करना पड़ सकता है, मतलब डाउनलोडिंग करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ मेरा डाउनलोडिंग इसलिए मेरा आ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं अच्छा सा सुंदर सा कोई देख के यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद मैं कलर में आप ऐसा सेलेक्ट कर लूँगा। देख सकते हैं मैं ऐसा कलर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में फिर से आप फिर से वैसे ही जाएँ, डबल एक्सप्लोर पे क्लिक करें, और यहाँ से ऐड टॉप टू ऐड फोटो पे क्लिक करके, और यहाँ से फिर मतलब किसके लोगो बनाना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब का बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ से यूट्यूब का ले लेंगे। यूट्यूब इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और छोटा करके यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मतलब ले लेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे रख देते हैं, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, यहाँ पे रख लेते हैं और इसको क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे फिर से टेक्स्ट पे लिखेंगे थंबनेल, वो तो लिख दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखें फंटास्टिक लिख देते हैं, फंटास्टिक लुक बनाए मोबाइल से मतलब एक में इसको कट कर देंगे और इसको इंटर कर लेंगे ताकि वो नीचे आ जाएगा, ताकि वो बहुत बड़ा ना हो। तो यहाँ पे मोबाइल से फिर से हम टाइप कर देंगे, मोबाइल ये टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों एक और बात, आप सोचते होंगे कि यहाँ पे हिंदी का ये हिंदी में हम कैसे लिख पा रहे हैं, तो हिंदी में हम ऐसे इसलिए लिख पा रहे हैं ताकि आपको हिंदी का एक गूगल का एक ऐप होता है जो हिंदी वर्ड है उसका, जो उसको आपको डाउनलोडिंग करना पड़ेगा, तो ही जाके आप उसको डाउनलोडिंग करके अपने सेटिंग से उसको सेट करना होगा, तब जाके आप वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ ये मैं कर ले लिया हूँ, और मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगता है सबसे वो मैं यहाँ पे सपोज कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे ऐसा ले लिया, ऐसा डस्टी लुक, ये भी अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा है कि मैं ये इसको, चलो इसको ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। कलर में आप जैसे चाहें वैसा ले लीजिए, देखिए मैं ऐसा ले लिया, ये कलर ले लिया, तो यहाँ पे फिर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फिर से अगर कुछ और यहाँ पे अपना फ़ोटो डालना चाहते हो सेम वैसे ही, यहाँ पे क्लिक किए डबल एक्सप्लोर पे क्लिक कीजिए, और आप अपना फ़ोटो इधर है तो सपोज़ मैं चलो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो देखता हूँ है क्या मेरा फ़ोटो, एक मिनट, मैं यहाँ पे यहाँ से जाकर ऑप्शन से आप एल्बम भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपका कैमरा में कुछ फ़ोटो होगा तो वो भी कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे ये बच्चे का फ़ोटो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा लाइटली कर सकते हैं, और उसके बाद में इसको छोटा कर देते हैं, चलिए ठीक है इसको हम छोटा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बच्चा अब वहाँ पे देख रहा है कि कैसे मतलब कि हुआ है, तो ये आपका बहुत अच्छा लुक, मतलब ऐसा करने से बहुत अच्छा लुक दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर कर देंगे वो, देन उसके बाद मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करके और हम यहाँ पे डाउनलोडिंग इमेज कर लेंगे, और यहाँ पे आपको जो साइज सेलेक्ट करना हो यहाँ से भी कर सकते हो, वही साइज रहने दीजिए और ओके पर क्लिक कर देंगे, ये आपका गैलरी में सेव हो गया। अब हम यहाँ पे बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम अपने गैलरी में जाके, यहाँ पे मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ गया है, ये देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ गया है। अब आप वीडियो जब बनाएंगे तो वहाँ पे आप इस पहला इसको आप ले लीजिए, ताकि ये आपको अच्छा से लुक दिखेगा, और इसके लिए आप अपने मोबाइल का मतलब कि आप अपने वीडियो का सबसे पहले इसको ले लें, ताकि उसके बाद आपका जो वीडियो हो इसके बारे में जो बनाना है वो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन आपको सामने से कोई आदमी अगर सर्च करता है अगर यूट्यूब पे, तो आपको ये उनको दिखेगा, तो उनको भी लगेगा कि कितना सुंदर है। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, और ये सबसे ईजी तरीका यही है। मैं और लोगों का भी, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगा। तो